दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे काफ़ी व्यूअर्स का कहना है कि उनकी एरिया में स्प्रिंग रोल की शीट्स इजीली अवेलेबल नहीं हैं, तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको स्प्रिंग रोल्स के पैनकेक्स बनाना सिखाऊँ, जो बड़ी ही आसानी से घर पर बन जाते हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आइए आज बनाते हैं स्प्रिंग रोल्स घर के पैनकेक्स के साथ। कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। एक पैन में हमने 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, उसमें हम 1 टेबलस्पून कटी हुई लहसुन डाल रहे हैं। फ्लेम को हाई करके हम लहसुन को 10 सेकेंड सॉटे करेंगे। हम अब इसमें स्प्रिंग अनियंस का जो वाइट पार्ट है, हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा, वो ऐड कर रहे हैं 1/2 कप स्लाइस करके। इसे भी हम फ्लेम को हाई करके 1/2 मिनट तक सॉटे कर लेंगे। हम अब इसमें चिकन मिंस डाल रहे हैं, चिकन का कीमा, ये 250 ग्राम है। फ्लेम को हमने लो रखा है, हमें प्याज का कलर चेंज बिल्कुल नहीं होने देना है। साथ में हम डाल देंगे थोड़ा नमक, 3 हरी मिर्चियाँ हमने यूज़ की हैं बारीक कटी हुई। आप जितना तीखा खाते हैं वो हिसाब से मिर्चियों को एडजस्ट करें। अच्छी तरह से हमें तमाम चीज़ों को मिला लेना है इस तरह से। हाई फ्लेम पर हमने 3 से 4 मिनट चिकन को सॉटे कर लिया है। चिकन मिंस बहुत जल्दी गल जाता है, इसीलिए इसे ज़्यादा ना पकाएं वरना ये हार्ड हो जाएगी। हम फ्लेम को लो करके अभी इसमें कैबेज ऐड कर रहे हैं, गोभी 1 कप, 1/2 कप गाजर, इस तरह से स्लिट्स करके। फ्लेम को हाई करके हम 1 मिनट ये तमाम चीज़ों को सॉटे कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम। हम अब इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून, आप काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून सोया सॉस। 1/2 मिनट के लिए फ्लेम को लो करके हम तमाम चीज़ों को मिला लेंगे। अच्छी तरह से हमने 1/2 मिनट तक तमाम चीज़ों को मिला लिया है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इस पर हरी प्याज डाल देंगे 1/4 कप। इसे पूरी तरह से हम ठंडा होने देंगे, तब तक हम पैनकेक्स तैयार कर लेते हैं। पैनकेक्स बनाने के लिए हमने 2 कप मैदा ले लिया है, या आप 2 कप ले लें या 250 ग्राम मैदा ले लें। उसमें हम 1/2 कप कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। थोड़ा नमक। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें 2 अंडे ऐड कर देंगे। अगर आप एग नहीं खाते तो आप एग ना डालें। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक बैटर बना लेंगे। हमने इसमें पूरा 1/2 लीटर पानी यूज़ किया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। हम अब इसके पैनकेक्स बनाते हैं। हम थोड़ा सा ऑयल लेके पैन को ग्रीस कर लेंगे। फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है, इसमें हमें बिल्कुल फ्लेम को हाई नहीं करना है। इस तरह से हम लैडल भरेंगे और इस पर सेंटर में पोर कर देंगे और हाथों से इस तरह से हम इसे राउंड कर लेंगे पैन को। जब पैनकेक्स पकने लगेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो साइड्स हैं वो इस तरह से ऊपर आ जाएगी, तब हम इसे पलटा देंगे। आपको पतले पैनकेक्स बनाकर तैयार करना है, ज़्यादा इसे थिक नहीं बनाना, मोटे नहीं बनाना। मीडियम फ्लेम करके हम दूसरी साइड से भी पैनकेक को पका लेंगे। दूसरी साइड से भी पैनकेक तैयार हो गए हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। हम इन्हें निकाल लेंगे। हमने पैनकेक ले लिया है, इस पर हम इस तरह से फिलिंग डाल देंगे। थोड़ी सी फिलिंग डालनी है हमें इस पर, 1 से 1.5 टेबलस्पून जितनी। इस तरह से हम यहाँ इसे सेट कर देंगे, फिर हम इसे रोल करेंगे यूं करके। एक बार इसे इस तरह रोल करने के बाद हम इसकी साइड्स को फोल्ड कर लेंगे।
इस तरह से हमें इसकी साइड्स को फोल्ड कर लेना है। हमने थोड़े से मैदे में पानी मिलाकर इसकी स्लरी बना ली है। हम थोड़ा थोड़ा इसे एजेस पर लगाएंगे यूं, और फिर धीरे से हम इसे रोल करेंगे। इस तरह से हम सारे स्प्रिंग रोल्स भर करके तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसी तरह इसे बनाकर फ्रीज़र में एयर टाइट कंटेनर में डालकर एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम स्प्रिंग रोल्स को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे।